अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अथीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। प्रॉपर्टी मार्केट चाहे वो बेहडम कराची की हो, DHT कराची हो, स्कीम 33 हो, ये मार्केट मुझे आगे चल के बेहतर होते हुए दिख रही हैं। अच्छा, इसकी पीछे कई वजूहत हैं, एक एक करके सारे वजूहत आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला पॉइंट है जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें आगे होते हुए दिख रही है। इलेक्शंस हमें होते हुए फिलहाल अनकरीब दिख रहे हैं। सिंध में तो फिलहाल हमें उस हद तक हलचल नहीं दिखे, लेकिन अंदरूनी पंजाब में जलसे जलूस, छोटे छोटे मामला होते हुए हमें दिख रहे हैं और रिपोर्ट भी हो रहे हैं कि वहाँ गर्मा गर्मी है, मुकाबला वहाँ होना है। तो इलेक्शंस हमें अनकरीब होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो 8 फरवरी को हों या 2-3 महीने आगे पीछे हों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल इन द एंड रिजल्ट क्या आएगा वो हमें फर्क पड़ता है। तो वो हमें एंड रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है अनकरीब, समझ लीजिए आने वाले 25 दिनों में। उसके बाद हमें आगे चल के इंटरेस्ट रेट इसी जगह पर खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में ये इंटरेस्ट रेट स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा। इसीलिए 18 से 24 महीने का टाइम मैं आपको देता हूं कि ये टाइम आप फ्रेम रखिए कि आप की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप आज परचेज करते हैं उसमें रेट ऑफ रिटर्न अच्छा जो है वो आपको इन 18 से 24 महीने में मिल ही जाएगा, अगर सट्टा नहीं चलता तो। अच्छा, आप प्रॉपर्टी ने बढ़ना ही बढ़ना है। इसके पीछे भी वजह ये है कि ज़ाहिर 30 से 40% मार्केट नीचे है, तो एक तो ड्यू है, फिर डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो आना है, फिर इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चल गई, गाड़ी, डॉलर, ये कई दफ़ा बातें मैं कर चुका हूँ आपके साथ। अच्छा, इसके बाद फिर हम इंटरेस्ट रेट के बाद ये देखते हैं कि आगे चलकर हमें जो चीज़ों प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं वो हैं हमारी पॉलिसीज। अब मजीद कोई नए टैक्सेस लगा दिए जाते हैं तो वो एक अलग बात है, कोई नई पॉलिसी आ जाती है जो कि हमेशा से हमने देखा है नवाज शरीफ इस आठदार जो है वो हमेशा प्रॉपर्टी के खिलाफ रहे, इंडस्ट्री के हक में रहे, इंडस्ट्री के हक में बेशक हो लेकिन जब वो इंडस्ट्री कमाती तो इन द एंड उसने आना प्रॉपर्टी में ही होता है, क्योंकि हमारे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का अभी तक वो मामला सेटअप लगना स्टार्ट नहीं हुए हैं कि आप कहें कि भाई वहाँ से कमा के बदल छोटे छोटे सेटअप्स पे चला जाएगा। तो वो इन द एंड पैसा आना प्रॉपर्टी में ही है और प्रॉपर्टी ड्यू है 30 से 40% डाउन होने की वजह से। अब अच्छा, आज हम अगर कराची की बात करें तो कराची वालों के लिए मैं ये बात हमेशा समझाता आया हूँ कि देखें 1 करोड़ रुपये में कुछ भी नहीं आता। जब ये मार्केट बढ़ेगी ना तो फिर ये आपको 80-90 लाख 1 करोड़ भी सस्ता लगने लगेगा और फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। आप अगर उसको सिविक लेने चले जाएँ तो 80-90 लाख रुपए की वो पड़ जाती है, कोई एक्वा गाड़ी लेने तो वो 70 लाख रुपए की मिलती है। तो 500 गज के प्लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट ये कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी इस लिहाज से कि रिस्क फ्री है, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो डुप्लीकेट नहीं होने, कोई भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके ऊपर कब्जा नहीं होना, DHA की प्रॉपर्टी है उसने डेवलपमेंट वहाँ होनी होनी है, तो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट जिसने आगे जाके बढ़ना है। अब प्रॉपर्टी जो आज जिस कंडीशन में जिन रेट्स में हमें मिलती है वो लोअर प्राइस है आज तक के मार्केट के लिहाज से। अगर हम कंपेयर करें डॉलर से तो आज की मार्केट सबसे ज़्यादा घिरी हुई मार्केट है आज प्रॉपर्टी की, कराची की, चाहे वो हम बात करें DHT कराची की, चाहे हम बात करें बेड़ों कराची की, और आगे हमें वहाँ डेवलपमेंट होती हुई बहुत दिख रही है। हमें वहाँ 14B में डेवलपमेंट होती हुई दिखी, फिर 14A में लोगों को प्लॉट्स मिले बिल्डर्स को कि वो डेवलप करें, फिर इसी तरह से वहाँ लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, शौकत खानम का हॉस्पिटल का काम मुकम्मल होने जा रहा है, मलिर एक्सप्रेस वे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे और आपको कन्विंस करेंगे और आप होंगे बहुत फ्रीली कन्विंस्ड होंगे कि हाँ यार 40 मिनट के सफर से आप वहां जाओ और जो बंदा यहाँ मकान नहीं बना सकता DHA फेज 6 में वो वहां जाके अपना मकान बनाने के बारे में सोचेगा। आज अगर मेरा अपना यहाँ मकान है तो मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आज मुझे अपना मकान बनाना है तो डेफिनेटली मैं DHT कराची के बारे में जरूर सोचूंगा। इसमें बहुत बड़ा हाथ फ्रीलांसर्स का भी है, इसमें बहुत बड़ा हाथ ओवरसीज का भी है कि वो बाहर रहते हैं और अपनी फैमिलीज को यहाँ रखते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स को भी यहाँ रखते हैं, तो वो अपने फैमिली को यहाँ पे रहते हुए सपोर्ट करते हैं। अब उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वो DHA है या बेरेडोन है, उन्हें सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एक पोर्शन उनके पास होता है, एक पोर्शन वो अपने पेरेंट्स को दे देते हैं। तो जहाँ पुरसकून माहौल हो, जिंदगी सुकून में हो, हॉस्पिटल भी पास पे हो, सारी सहूलियत आपको मिल रही हो, सस्ती ज़मीन मिल रही हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी जा रही हो, आज ओवरसीज DHA फेज 6 में प्लॉट लेके मकान बनाना प्रेफर नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत महंगी हो चुकी है, आज वही कंस्ट्रक्शन वो DHA सिटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में जाके कर सकते हैं। सेक्टर 7D हो गया, 6A हो गया, 3A हो गया, 2D हो गया,
ये वो सेक्टर्स हैं, 9A भी हो गया, ये वो सेक्टर्स हैं जो डेवलप्ड है और आज अगर आप वहां पे प्लॉट लें वहां अपना मकान बना सकते हैं। जजाकल्लाह, थैंक यू।